सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वाले ग्रामीणों को हो रही परेशानी, उन्हें शुद्ध हवा की जगह मरे गले जीव जंतु एवं साग सब्जी एवं सड़े गले मछलियों के दुर्गंध को सूंघते हुए आना जाना करना पड़ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया यहाँ बना हुआ है, इसे कहीं न कहीं ग्रीन जोन घोषित कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के सड़े गले मांस या सड़े गले सामान को ला करके ना डाला जाए। जस्ट रोड के किनारे जिस प्रकार से यहाँ पर कुत्ते मरे पड़े रहते हैं और आने जाने में दुर्गंध होता है, इससे कहीं न कहीं जस्ट बगल में बने हुए पोटा केबिन जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपना अध्ययन करते हैं, उन्हें इस दुर्गंध में किस प्रकार से रहना पड़ रहा होगा, यह सब समझ में आता है। प्रशासन को इस पर कड़े से कड़ा निर्णय लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि और जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं उसे ज़मीन में खोदकर गाड़ देना चाहिए, ताकि दुर्गंध और प्रदूषण ना फैल सके। सभी तरह की न्यूज़ सच की आवाज़ बीजापुर जिले से सूरज विश्वकर्मा की खास। आप लोग इधर से आ रहे थे तो आप लोगों को क्या क्या ऐसा लगा कि जिसकी वजह से आप लोग नाक बंद करके जा रहे हैं, बताइए। जी हम लोग वॉकिंग जाते हैं रोज, वॉकिंग जाने के दरमियान देखते हैं कि पूरे बीजापुर का गली मोहल्ले का पूरा कचरा इधर फेंका जाता है, और जो सैकड़ों लोग सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं, पूरा जंगल में कचरा फेंक के पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। इस संबंध में हम बहुत जल्दी कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे कि पोटा केबिन से लेकर मंदिर तक का जो एरिया है उसको ग्रीन जोन घोषित करना है, और सड़े गले मांस पदार्थों को ज़मीन के नीचे गाड़ना चाहिए, ताकि जिससे प्रदूषण ना फैले। अच्छा, ये जो अगल बगल में आपको कहाँ से लगता है कि ये जो मछली ये जो पोटा केबिन के सामने हैं, पोटा केबिन में छात्र छात्राएं हैं, इससे भी वो लोग प्रदूषित हवा से बीमार होंगे। इसके अलावा आजू बाजू जो है मछली दुकानें और ये दुनिया दुकानें खोली गई हैं, कचरा पूरा साइड में फेंका जा रहा है, कहीं पर भी रोड में फेंका जा रहा है, इससे पूरा प्रदूषण होने की आशंका है। लोग शुद्ध हवा लेने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, इस तरह से कचरा फैलाना उचित नहीं है। अभी आप हमने देखा एक जंतु मरा हुआ था, वो क्या था बताएंगे? अभी सब नाक बंद करके आ रहे थे हमारे साथी मॉर्निंग वॉक वाले, कुत्ते को वहाँ फेंका गया है, चढ़ा हुआ कुत्ता पूरा प्रदूषण फैलाएगा, जबकि उसको ज़मीन के नीचे गाड़ना चाहिए। अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम कैलाश रामटेके है, बीजापुर का निवासी हूँ।